हेलो फ्रेंड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का लड्डू। बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम मार्केट जैसा बना है, मार्केट जैसा ही टेस्ट भी है। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यह लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लिए हैं। अब हम इसमें डाले हैं घी। तो घी यहाँ हम एक छोटा कटोरी घी लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कटोरी बेसन। अब हम सबको अच्छे से ऐसे ही गैस का फ्लेम लो रख के अच्छे से बेसन को भून लिए हैं। तो बेसन हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस उसका कच्चापन दूर करेंगे। तो उसे हल्का ही 2 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। तो इसे हम ऐसे ही गैस का फ्लेम लो रख के इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो इधर हम बेसन को अच्छे से भून लिए हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, तो ठंडा हो गया बेसन। तो अब हम इसमें डाले हैं चीनी पीस के। चीनी जब पीस रहे थे उसी टाइम हम 2 से 3 इलायची भी उसी में पीस लिए हैं। अब हम सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि सब अच्छे से मिल जाए। अब हम इस तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना, एकदम मार्केट जैसा ही इसका टेस्ट है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगा है, कम घी में बहुत ही टेस्टी बना है। तो इस तरीके से आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि लड्डू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।